हेलो 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 गाइस, कैसे हो? आशा कर रहे हैं अच्छे हुई हो, मस्त हुई हो। आप लोगों को हमारे ब्लॉग में है ढेर सारा वेलकम। हमें तो ये गाइस आज पसंद नहीं है जाने का, गैस गैस। अभी तो गाइस पता है, हम गाइस वाइस बोला थे तो यह लगा था हम अजनबियन से बोल रहे, सही बता रहे। हमें तो फ्रेंड अच्छा लगा था, हेलो फ्रेंड, तो हमें फ्रेंड पसंद है। यू गाइस वाइस को मार दे बोली, हमने गाइस वाइस बोला था, हमें नहीं अच्छा लगा था। तो फ्रेंड्स, हम आज खा रहे थे मिठाई, मेन मुद्दा पे आ रहे हैं, हम का बात करूं जा रहे। बहुत देर से सोच रहे, बहुत देर से सोच रहे, और सोची हमने कि बता दी, नहीं तो वहां पेट पिरा रहा हूँ। वैसे ही बता रहे, जब तक पर अगर बताई ना तो और कसके पिरान लगे है, तो हमने कि बताने तो पड़े, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाए, वहां पेट पेट पिरान लगू और जाता तो अस्पताल भर्ती होने पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम खा रहे थे मिठाई, दिखाई दी ना, तो आज हमने प्रसाद चढ़ाओ तो अभी आप लोगों के हम दिखा दिए मिठाई, तो आप लोग उठा लीजिए डब्बा से, ठीक है, खा जरूर लज्जो। तो फ्रेंड्स, कहा है कि आज हम मिठाई खा रहे थे तो एक बात हमें याद आ गई, प्लीज बने रहियो, बहुत ही हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यह वाली, और बिल्कुल रियल रियल है, कोई फेक नहीं है। या मैं कुछ फेक नहीं बता रहे, हम बिल्कुल सही सही अपनी कहानी बता रहे। और यह हमारी कहानी है, हो गए हैं, हमारी शादी ना भाई थी तब की यह कहानी है। फ्रेंड्स, कहा है कि हमारे मतलब हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है, हम कोई वो नहीं है अंबानी अंबानी जैसे खानदान से नहीं है भैया, बहुत सिंपल साधारण छोटे परिवार से हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कहा है कि हमने कम होटल वोटल हम ना गए थे, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बाबा बाबा के पसंद ना, तो कि हमारे घर की बिटिया होटल जाएं कि कहूँ जाएं, उन्हें बहुत हमारे बाबा टाइट हते, सही बता रहे। मतलब इतना ऐसे आंखें दिखाते कि हमें तो पानी देने जाते, हमें तो ऐसे ऐसे हो जाते, हमारा तो लोटो लुढ़क जातो, गिर जातो पानी से। तो फ्रेंड्स, कहा है कि हैप्पी हंस रही थी, तो हम कह रहे थे तो तुम मत बोलो बिटिया रानी, है ना। और तो फ्रेंड्स का है, बात सुन लो हमारी, तो हम सही बता रहे, मैं इनसे बहुत डराते, तो होटल वोटल कभी ना गए थे। हमारी बुआ की शादी हो गई तो हमारे फूफा इतने अच्छे रहते कि फूफा हमें होटल तो दिलवा गए। तो सुनो, तो पहले तो होटल हम गए फ्रेंड्स, पहली पहली बार, सही बता रहे, पहली बार गए थे। तो उदय पे उनने ऑर्डर करो तो खाना, खाना में है तो पनीर, पता नहीं का कहा तो तब हमें याद ना आ रहा हो। तो फ्रेंड्स, अच्छो मतलब खाना उन्हें ऑर्डर करो तो ठीक है, तो उनको आ गो तो कॉल कॉल आ गो, तो वो थोड़ा सा उठ के अपनी मतलब बात करने चले गए थे। तो हम और हमारी बुआ बैठी थी बगल में, तो वो खाना में ना वो नहीं होता है मक्खन, मक्खन है तो आप बता रहे हम आपका, तो मक्खन रहा है, तो हमने तो मक्खन वैसे देखो तो हमारी हमारे घर में इतनी भैंसियां गैया रहती थी, सही बता रहे फ्रेंड्स। तो हमारे तो ऐसे ऐसे हमारी दादी आदि ऐसे ऐसे निकालती थी भर भर मटका, मटका में हमारे मक्खन फेरू जा, तो हमारे तो डब्बा अब्बा भरे रहते, हमें को पता ये पन्नी अन्नी में ये मक्खन होते हैं। तो हमने सोची हमारे जैसे घी में रोटी चुपर नहीं जाती हूँ, ऐसे होटलों में चुपरी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो मक्खन आओ तो पन्नी में, तो हमारे फूफा बात करने चले गए, तो हमने अपनी बुआ कैसे धक्का मारो, हमने की बुआ हमने की पहले खाना खा लेती हैं, जब मिठाई वाली पीस बाद में खाइए खाना वाना खा के, तो अभी काहे को खा रही हैं, अब हमने की ना खाएं हम लोग मिठाई, तो जब खाना खा लें उसके बाद हम लोग खाएं मिठाई। बुआ बोली हाँ सिम्मी पहले खाना खा लो, और हाँ देखो हमारे घर को नाम सिम्मी है, स्कूल को नाम तान्या है, आप लोग काफी लोग हमारा नाम तान्या जाना, तो लेकिन हमारे घर में सिम्मी सिम्मी का औजात है, ठीक है, तो घर को हमारा नाम सिम्मी है। तो फ्रेंड्स, कौन मुद्दे पे आते, हाँ तो आ जाओ। तो फ्रेंड्स, बुआ बोली हाँ सिम्मी मक्खन बाद में, ए सॉरी यह मिठाई की पीस बाद ही में खाए हैं, हमने कि हाँ सही है। तो फिर हमारे फूफा आए थे, हमें ना पता है तो अब मतलब पता होगा तो बाद में फिर हम आपको नाम बताई दे रहे। तो फ्रेंड्स, हमारे जब फूफा आए जैसे, तो भैया हम लोगों ने खाना बिल्कुल छुओ ना, तो हमने कि फूफा जो कुछ करे हैं जितो जितो दी हैं उतो तो हम लोग खा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे फूफा आए तो उनने खोली मक्खन की व पन्नी बन्नी और रोटी में लगान लगे। अब हमने बुआ को देखो, बुआ ने हमें देखो, अब काहे के मारे हमें तो हंसी इतनी आए कि हे भगवान, अगर हम लोग ना अगर अब फूफा ना होते संग है तो हम लोग सूखी रोटी चबा जाते और बर्फी पीस समझ के मक्खन खा जाते, और बाद में वो मीठो वीठो होतो ना तो होटल वाले से लड़ और जाते कि कैसी यह बर्फी दई, इतने इतने रुपया ले ले। तो भैया सही बता रहे फ्रेंड्स, बिटियन के थोड़ा बहुत घुमाबू जरूरी है, सही बता रहे, हमारे जैसे हुई ना, हमने कहूँ ना घूमो तो लेकिन घूमबो जरूरी है ना, है ना, कहूँ अच्छी समाज में बड़ी समाज में ले जाओ तो नाक ही कट जाए है। तो हमने तो अपनी देखो रियलिटी बता दी, हम नहीं गए थे कभी होटल, काहे कि हमारे बाबा को पसंद ना, तो काहे कि बहुत टाइट फ्रेंड्स वे रहते, बहुत मतलब बहुत बहुत डरवाते, सही बता रहे ऐसे रहते बाबा, काहे कि बता रहे अगर उनने पानी मंगाओ तो फटाक से तो पानी ले जाओ, बिल्कुल 1 मिनट के जैसे ही उनने आवाज मुंह से निकाली उनके पास पहुंच जाओ बिल्कुल।
तो हम लोग ऐसे ही करते और फ्रेंड्स वो बाहर बैठा थे, तो बाहर से रोड गई थी एक, अगर पानी लेके पहुंच गए होता ऐसे कोई निकल रहा है ना, कोई लड़का बड़का अगर निकल गो, अगर उन्हें साइकिल वाइकिल चला, साइकिल ही बहुत चलती थी पहले, मोटर वोटर साइकिल तो कम चलती थी, तो साइकिल चला रहा हूँ तो ऐसे अगर देख लो तो फिर हमारे बाबा कहते यू काहे के मारे देख रहे हो, तो अब हमें क्या पता भैया काहे के मारे देख रहे हो, तो हमें बड़ा बहुत डराते हम नहीं उन्हें पानी वानी डराने में पीछे ही रह जाते, हमने कही बुआ भैया तुम ही दे आओ, और हम भैया हाँ तो हम उसे कह रहे थे तुम दे आओ जाके, तुम्हें कुछ नहीं कोई है, हमें तो लोगों के मार डरे हैं, सही बता रहे हैं, हमें बहुत डर लगा। तो ऐसी हमारी फैमिली है, तो फ्रेंड्स हम कोई ज्यादा बड़ी फैमिली से नहीं है, और कहा है कि साइकिल तो हमने कब सीखी थी पता है, जब हम जो मायावती ने कब साइकिल दी थी हाई स्कूल में पास में दी थी शायद, हाँ हाई स्कूल पास भाई थे ना, मायावती ने हमें साइकिल दी थी, वही साइकिल हमने सीखी थी, हमें साइकिलों नहीं चलाई आती, और हमारी बुआ तो मोटरसाइकिल चला लेती थी, ट्रैक्टर भी चला लेती थी, हमें नहीं आती साइकिल चला वो, तो फ्रेंड्स सही में तब हमें मायावती ने साइकिल दी, तब हमने साइकिल सीखी थी, वो मैं पता नहीं कितने हमने हाथ पाए अपने फोड़े थे तब तो हम सीख पाए थे, वो इतनी सी छोटी सी साइकिल हती, वो मैं हम गिर गिर जाते सही में, हमारी बुआ पकड़ती थी पीछे, तब हम देख लो अगर कि बुआ हमारी नहीं है हमारी साइकिल नहीं पकड़े, बस वही हमारे लड़खड़ाए जाते कदम हम गिर जाते, ऐसे तो हम बहुत डरा डरा साइकिल सीखी हमने, सबको डरा डरा करो ऐसे ही बता रहे फ्रेंड्स, और किने किने मायावती की साइकिल मिली है सही सी बता दें, जो हमें तो मिली थी 25,000 रुपये मिले थे, 15,000 हाई स्कूल में मिले थे, 10,000 इंटर में मिले थे, हमें तो मिले थे, हमने तो खूब कानान के अपने बनवा लिए थे, आप लोगों ने क्या करो तू, तो भैया फ्रेंड्स वीडियो में वहीं पर लेंथी बहुत जा रहा हूँ सही बता रहे, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लग जो ठीक है, तो फ्रेंड्स चलो दिखा देते हैं अपनी बर्फी अर्फी तो उठा लियो अगर अच्छी लगे ठीक है। सो फ्रेंड्स यो हमने मतलब प्रसाद चढ़ाओ तो बता दो आपके, तो देखो डब्बा का नाम है शुभ आरंभ ठीक है, तो अब इसको हम खोल के दिखा रहे हैं, तो देखो आप लोग एक एक फ्रेंड्स उठा लो क्या क्या है कि प्रसाद है, तो प्रसाद का मतलब प्रसाद चढ़ाया था हमने, सोचो आप लोगों के हम खिला दें, तो एक एक उठा लो जल्दी जल्दी से और फटाफट खा लो है ना, फिर बता दो कैसो स्वाद लगो, और जे हैप्पी लेके आई थी अपनी एक केक, तो इन्हों के हमने दिखा दी, कह रही थी मम्मी हम आओ दिखा दो, हमने कहा हाउ दिखा दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स कहा है कि इतो ही बचो है बाकी को पूरा डब्बा मतलब ऊपर तक भरो तो हैं, तो बाकी हमने बांट दो है चढ़ा दो है खा लो है, और जो आप लोगों के लिए इतो बचो रखो, तो फ्रेंड्स मिल रहे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपनों